नर जानवर तो ऐसा है कि परसों एक तेंदुआ पकड़ा गया था यहीं पे, उसका पिंजरा भी उसी पे कमरे पर रखा हुआ, देख लेना चल का गया। तो तेंदुआ कहाँ पर रखा गया फिर? वो जो पिंजरा था वो तेंदुआ जो कि उसे छोड़ी आई। अंकल तो ये है पिंजरा? हाँ ये पिंजरा। तो इसमें क्या रखा जाता है? इसमें बकरी का बच्चा बंद करती है। बकरी का, बकरी का बच्चा कहाँ से रहते हैं? बेटे हमारे भी मजदूरी वो बना रहे हैं वीडियो। हाँ अच्छा बेटा आप यार चल वन में चलते हैं, बहुत दिनों के वन में घूमे यार। वन नहीं अब यार तेरा भाई है तेरे साथ तो अटेंडिंग कोई बात ना, जो भी आएगा 1:47 जो भी आएगा ना अक्षु सबसे पहले भागेगा। हैवी ड्राइविंग करते हुए, मौत को चकमा देते हुए। ये यहाँ का ये क्या अल्लाह हाफिज कर रहा है या खुदा हाफिज? फ्रेंड्स एक जोड़ी बूटी है। फ्रेंड्स मैं आपको एक जोड़ी बूटी दिखा देता हूँ, अगर आप सांप काट ले तो आपको। हाँ तो अक्षु अक्षु के डायलॉग्स देख लेना यूट्यूब वीडियो से और वो बोल देना चलो चलो अब चलो चलो ओवर इट्स ओवर एंड आउट, अब चलते हैं। होना नहीं गुजारा ओ लेदर मैन नु सोड़े हमको ये खुदन साहब दिखा रहे हैं आगे से। फ्रेंड्स अब हम अंदर एंटर कर चुके हैं, यहाँ पे हमें गार्ड अंकल ने हमको बता दिया जो जंगल विभाग के वो जो हमारे से जो कर्मचारी हमारे साथ चल रहे हैं उन्होंने बता दिया है सेफ्टी कैसे बरतनी है, हमें हर टाइम उनके साथ रहना है, हमें उनके पीछे रहना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे चीता जैगवार ऐसे ऐसे एनिमल्स खतरनाक एनिमल्स आएंगे, तो उन्होंने बताया रोमड़ी बहुत शेर चीता जैगवार ऐसे ऐसे एनिमल्स हैं तो हमें यहाँ पे बच के चलना होगा और हम आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे जब हम आपको लेके चलते हैं। ये अंकल आप चलिए, अंकल हमारे आगे आगे चल रहे हैं, वो मैं आगे से देखेंगे कि अगर आगे से ही कोई खतरा होगा कोई खतरा होगा तो हम सतर्क कर देंगे, हम पीछे से भाग लेंगे पीछे को कि जिससे हम बच जाएँ। अब देखते हैं अंकल बताते हैं, अंकल अंकल लेके चलिए सीधा सीधा, अंकल चल रहे हैं अंकल वो देखिए अंकल वहाँ पे कुछ हिल रहा है पत्ता हिल रहा है वो क्या अंकल देख बताना वो क्या है? मैं फ्रेंड्स मैंने वहाँ पे देखा तो कुछ चीज़ हिल रही थी, यहाँ पे पता नहीं कोई यहाँ पे कोई जानवर होगा शायद पता नहीं क्योंकि बताए थे यहाँ पे खरगोश भी हैं क्या पता वो उछल रहा है या फिर शेर चीता हम वहाँ पर छुप कर नज़र रख रहा हो। फ्रेंड्स अगर आप ऐसी जगह में जा रहे हैं और आपको एकदम ऐसे देखने को मिल जाएगा तो आप डरना मत, आप अपनी हिम्मत बढ़ा कर रखना और सीधे सीधे चलना, साइडों में देखना मत, अगर आप साइडों में देखेंगे और देख लिया तो वो समझेंगे कि आप उनको जख्मी करने आए हैं या उनको आप ले जाने आए हैं, तो ऐसी जगहों पे आप अपना सावधानी रखते हुए सीधा चलिए, ऐसे कहीं पर साइड में मुड़िए मत। अब हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे क्या है, उस साइड भी कुछ हिल रहा है शायद कुछ है नहीं वो खरगोश या फिर कोई खतरनाक जानवर ना हो, अभी डर बहुत लग रहा है मेरे को कहीं कोई खतरनाक जानवर
हम पर अटैक ना कर दे, ऐसे हम आपको दिखाएंगे आगे आगे का व्यू। हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। यहाँ पे पर इतना अच्छे व्यू के अंदर ही कुछ जैसे एनिमल्स होते हैं, जैसे शेर वगैरह वगैरह, ये अटैक कब कर दे पता नहीं चलेगा, इसलिए हम बिल्कुल साइड हम सतर्क होते चलेंगे। अदर आई मीन वहाँ पर जाएंगे आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ होता है सच्ची तरह मैं यहीं पर रहने लग जाता। मैं यहाँ का यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, ऐसी जगह देखने को मिलती है पर बहुत कम जहाँ पे एनिमल्स भी हो। अंकल से हम आगे पूछेंगे कि अंकल यहाँ पे क्या क्या खतरनाक एनिमल्स हैं, ये कब बना था विभाग, देखते हैं अंकल हमको कितने जवाब देते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स व्यू बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची तरह, आप कभी आना यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू है। आगे चल रहे हैं और अंकल ने बताया कि यहाँ पे आसपास कल एक तेंदुआ पकड़ा गया है। वहाँ पे एक किसी आदमी वहाँ से जा रहे थे, उस पर अटैक करा था, तो वो उन्होंने बताया था। तो अब हम यहाँ से सावधानी से चलेंगे यहाँ पे कि कुछ भी खतरा ना हो, और खतरा हो तो उन्होंने अंकल ने हमको सेफ्टी बता दी है कि कैसे सेफ्टी करनी है। कुछ भी खतरा है तो चिल्लाना है, उन्होंने बता दिया कि वो आगे से कुछ हमारी मदद करेंगे, जिससे हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बहुत टाइप्स के गड्ढे दिख रहे हैं, जैसे एनिमल्स ने गड्ढा खोदा होगा रात को सोने के लिए, क्योंकि वो जो गड्ढा खोदते हैं वो जो भी कड़क होती खोद देते हैं तो गड्ढा जैसा बन जाता है, तो वहाँ पर सो जाते हैं एनिमल्स। अब देखते हैं हम अंकल यहाँ पर कुछ खतरनाक जानवर है। खतरनाक जानवर तो ऐसा है कि परसों एक तेंदुआ पकड़ा गया था यहीं पे, उसका पिंजरा भी उसी पे कमरे पर रखा हुआ, देख लेना चल का। तो तेंदुआ कहाँ पर रखा गया फिर, वो जो पिंजरा था वो तेंदुआ जो कि उसे छोड़ी आए बरेली, बरेली जांच वन विभाग का ऑफिस है। और क्या क्या जानवर हैं यहाँ पे खतरनाक? एक तेंदुआ एक चीते पीते की जानकारी तो हमें है, और आगे की लीलगा भी है ऐसा, और गीदड़ भी खरगोश भी इतनी की जानकारी है, और आगे की कोई जानकारी नहीं। शेर नहीं है? शेर नहीं, कभी तो आ जाता होगा शेर भी। हाँ कभी पहले सुन रखा, कभी पहले आया होती है शेर, अब फिलहाल तो कोई शेर भेर के जिक्र सुना नहीं है। तो आपके पास क्या इंतजाम है इनके पकड़ने के, पिंजरे वगैरह हैं? हाँ पिंजरे वगैरह। तो आपको पता कैसे लगता है कि जंगल में आ गया आपके वन में? वो ऐसा पता चलता है कि जैसे अब ये लोग गए यहाँ पर गांव में, कुछ लोग हैं आते जाते रहे वनों में, तो उन पर हमला बोलता हो तो वो लोग सोचने रहते हैं कि इस वन में चीता भी है या तेंदुआ भी आया हुआ है, तो उसके ज़रिए से पता चलता है कि इस वन में कोई जानवर आ गए। फ्रेंड जैसे हमारे घर होते हैं, जैसे हम अपने घर में प्रोटेक्टेड रहते हैं, वैसे एनिमल्स का भी घर होता है। ये नेशनल जगह है तो यहाँ पर एनिमल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। कुछ लोग जैसे यहाँ पर गंदगी फैला देते हैं, तो ऐसे मत कीजिए प्लीज़, इनको भी इनके घर में सेफ रहने दीजिए। और आप तो अपने घर में सेफ ही हैं, पेड़ों को ना काटें और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। ये जो गड्ढे हो रहे हैं वन में, ये कैसे हुए हैं? ये एक जानवर है सेई नाम से जाना जाता है, वो खड्डा ही खोद के जमीन में रहता है। अच्छा अच्छा, ये पूरे वन में है? हाँ पूरे वन में कहीं भी रह सकता है। आपको इसका व्यू दिखाते हैं और पीछे भी लाते हैं, तो चलते हैं अंदर की साइड। आपको चलते दिख रहे होंगे यहाँ पे मेरे एक दोस्त भी आया हुआ है, उसका नाम आदि। वो जो आगे चल रहा है वो डरता नहीं है, वो अपने आप को बड़े शेर समझता है। वो आगे उसके शेर से मुलाकात ना हो जाए तो कभी शेर और शेर दोनों शादी ना कर ले आपस में, तो बस कभी किडनैप कर ले वो शेर दूसरे शेर को, तो बस संभल कर रहना होगा। इसलिए आगे आदि उनके साथ जो मेरे दोस्त है आदि के साथ जो गार्ड अंकल हैं वो चल रहे हैं कि कभी शेर दूसरे शेर को ना ले जाए गांव का, एक जाकर आ जाए वो, तो वो लेके चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए आपको देख रहे होंगे कितना अच्छा व्यू है। फ्रेंड्स ऐसा व्यू देखने को मिलता है नहीं, बहुत ही कम व्यू देखने को मिलता है। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले तो आप ज़रूर आना यहाँ का व्यू देखना कि कैसा व्यू है। अंकल तो ये है पिंजरा? हाँ ये पिंजरा। तो इसमें क्या रखा जाता है? इसमें बकरी का बच्चा बंद करते हैं। बकरी का बच्चा कहाँ से लाते हो आप लोग? मोल ले लेते हैं ये किसी से, लिया मैंने भैया वापसी कर देंगे तेरा। तो वो फांसा किस तरह जाता है? इधर से उठाया जाता है।
अच्छा अच्छा ये ऊपर डालने वाला है करके दिखाने कैसे होता है ये। जब वो अंदर बढ़ गया भैया फिर एकदम डाल देते हैं नहीं तो? इस पर तर रखेगा वो इस वाले को स्ट्रक्चर पर। हाँ इस पर ग्रिप कर रखेगा तो ये खटका छूट जाएगा अपने आप ही छूट जाएगा अपने आप छूट जाएगा तो वो अंदर का अरे अगर उसका पाव वो निकल गया तो उसका बच्चा पल्ली तरफ सेफ रहेगा शेर का नहीं वो बकरी का नहीं शेर का शेर का बच्चा यानी कि हमें तो एक ही पकड़ना है जो एक होगा तो एक आवेगा इसमें और दो होंगे तो और दूसरा ले जाना पड़ेगा फिर दूसरा कहाँ पे। अब हम जंगल में गए थे हम थक गए यहाँ पे आके अब हम विश्राम कर रहे हैं। आज के व्लॉग का लेट नहीं फ्रेंड्स फिर हम अपने न्यू व्लॉग में आप सभी का दूसरा स्वागत करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट करना और अपने मित्रों को शेयर करना कि एक बच्चा ऐसे ऐसे बहुत मेहनत कर रहा है यूट्यूब बना रहा है उसके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग को मेरे को पूरा भरोसा आप लोग कहोगे। आज के लोग इतने तिलगुंसी बाय गाइस बाय। बाय बाय जंगल।